हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक्स सर वाला पार्ट चल रहा था, उसी में आज हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जो कि है सेंसस यानी जनगणना। देखिए, जनगणना के ऊपर जो है मैंने दो वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो वहां पर जनगणना करके एक फोल्डर बना हुआ, उसमें वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें कुछ नए डाटा दिए गए थे, जैसे कि जो लिंगानुपात होता है सेक्स रेशियो, उसमें SC यानी अनुसूचित जाति का सेक्स रेशियो कितना है, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो ये सब 27 जिले के हिसाब से एक आंकड़ा दिया गया था, जो पहले पिछले बार के वीडियो में मैंने नहीं कराया था। तो ये इससे जो है, अगर आपने जब से इकोनॉमिक सर्वे आया उसके बाद से आप स्टेट सर्विस का या PSC का कोई भी एग्जाम देखें, उसमें अनुसूचित जाति का सेक्स रेशियो के हिसाब से जिलों का क्रम पूछा है, अनुसूचित जनजाति का जो है लिंगानुपात के हिसाब से उसका क्रम पूछा है जिलों का। तो ये सब पार्ट जो है अभी पेपर में, जब से इकोनॉमिक सर्वे आया था तब से ये पार्ट आ रहे हैं पेपर में, तो इसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही पार्ट हम आज के वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि हम जो है चैनल के कम्युनिटी टैब में जो है 3 क्वेश्चन की सीरीज जो हम वीडियो में करते थे, अब उसमें चालू किए हैं। तो उसमें मैं रोज जो है 3 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। एक एक जो रहता है क्वेश्चन सुबह 10 बजे, एक रहता है दोपहर के 12:30 बजे और एक रहता है शाम को 5 बजे। और सभी क्वेश्चन के आंसर मैं रात को 9 बजे उसमें पोस्ट कर देता हूं, और जो भी उसमें डाउट रहते हैं तो उसको भी मैं वहीं पर बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर ये क्यों लिया गया है। और जो तीनों क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं उसका नाम भी कम्युनिटी टैब में डाला जाता है कि इन्होंने सही आंसर दिया है। तो अगर आप अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको आप जाके कम्युनिटी टैब में उस क्वेश्चन में आप देख के उसका आंसर जरूर दीजिए, आपको भी उस क्वेश्चन से जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुसूचित जाति लिंगानुपात 2011 की जो जनगणना रही है उसमें अनुसूचित जाति की लिंगानुपात यानी प्रत्येक 1000 पुरुष में अनुसूचित जाति के पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, उस हिसाब से अनुसूचित जाति का लिंगानुपात निकाला जाता है। यानी अगर 1000 जो है, अगर अनुसूचित जाति के पुरुष है तो उसमें 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं होंगी वहां पे अनुसूचित जाति की, तो उस हिसाब से लिंगानुपात निकाला जाए। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो राजनांदगांव का है, जहां पर एक जो की है 1035। यानी यहाँ पर राजनांदगांव जिले में 1000 अनुसूचित जाति के पुरुष है तो उसमें 1035 महिलाएं हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है बालोद 1034, यानी 1034 वहां पे महिलाएं हैं और 1000 जो है अनुसूचित जाति के पुरुष के ऊपर 1034 महिलाएं हैं वहां पर अनुसूचित जाति की। अगला है धमतरी, जहां पर है 1028, वहां पे जो है 1000 पुरुष की अपेक्षा जो है 1000 पुरुष के मुकाबले 1028 अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं। चौथे नंबर पे आता है महासमुंद, जहां है 1024। फिफ्थ में आता है कांकेर 1024 1024, और सिक्स्थ में आता है बस्तर 1024। तो आपको ऊपर के तीन तो याद रखने ही है, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी का। ये जितना जितना लिंगानुपात है आजकल मैचिंग में भी पूछ लेता है इसको। ठीक है, तो इसमें जो है 1000 से ऊपर, देखिए यहाँ 1000 से ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 1000 से ज्यादा है। तो अनुसूचित ऐसी जो है 11 हमारे यहाँ जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 1000 प्लस है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है, 11 ऐसे जिले हैं जहां पर 1000 प्लस लिंगानुपात अनुसूचित जाति का। सबसे कम यदि लिंगानुपात बात करें अनुसूचित जाति का, तो वो है सुकमा, जहां पर 932। यानी यहाँ पर 1000 अनुसूचित जाति के पुरुष में 932 जो है वो महिलाएं होती हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा में है 961, ये है सेकंड नंबर में। ठीक है, मतलब बॉटम में, सेकंड नंबर में दंतेवाड़ा में 961 जो है अनुसूचित जाति, अगर पुरुष 100 है, 1000 है, तो उसमें 961 जो होंगी उसकी अपेक्षा, 1000 पुरुषों की अपेक्षा 961 महिलाएं हैं वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर हम ओवरऑल पूरे जिलों का मिला के देखें तो 2011 में जो लिंगानुपात रहा है सभी जिलों का मिलाकर 994। यदि पूछा जाए छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो वो है 994।
ठीक है। 2001 की जब जनगणना हुई थी तब भी छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 994 था। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई है तो यहाँ पर आएगा जीरो, ठीक है। तो जीरो वाले क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति के लिंगानुपात 2001 में भी 994 था, 2011 में भी 994 ही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो हमने देखा था अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात, अब हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का लिंगानुपात, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसटी का लिंगानुपात वाला जिला है वो है दंतेवाड़ा, जहां पे है 1067, यानी 1067 जो है, अगर हजार पुरुषों के मुकाबले वहां पर 1067 महिलाएं हैं वहां पर दंतेवाड़ा में। सेकंड नंबर में है बालोद, ठीक है, 1049, ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात हो रही तो अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में बालोद सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आता है कोंडागांव 1046, फोर्थ नंबर पे आता है राजनांदगांव 1046। तो ये चार जिले हो गए टॉप फोर में है, दंतेवाड़ा, बालोद, कोंडागांव, राजनांदगांव। दंतेवाड़ा तो आपको मस्ट है, आपको याद रखना है इसको। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर हम जिला देखें तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात वाला जिला है रायपुर, जहां पे है 974, यानी हजार पुरुषों के अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के मुकाबले वहां 974 महिलाएं हैं। सेकंड नंबर में आता है दुर्ग 976, ठीक है। तो ये हो गया दुर्ग और ये रायपुर, और इधर हो गया चार। और अगर आपसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, हमारे यहाँ जो है टोटल 27 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है वो हजार से ज्यादा है, ठीक है। आपको याद रखना है हमारे यहाँ 21 जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात हजार से ज्यादा है, केवल 6 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात हजार से कम है। तो वो जिले हैं रायपुर, दुर्ग, तो आप यहां देख लिए, मैं यहां फिर से बता दे रहा हूं, कोरिया, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर, बलरामपुर और सूरजपुर। सरगुजा संभाग के यहां पर चार जिले हैं, देखिए कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर, और दुर्ग संभाग का एक जिला है दुर्ग और एक है रायपुर संभाग का जिला रायपुर, ठीक है। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का हजार से कम है, बाकी हर जगह हजार से ज्यादा। 21 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात हजार से ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में जो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में था 1013, और 2011 में यह बढ़कर हो गया 1020। यानी अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है तो 1020, और 2001 की जनगणना के हिसाब से 1013। तो इसका डिफरेंस आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है 7 का डिफरेंस आया है, ठीक। तीसरा जो हमारा यहाँ पर है जिसको हमको देखना है, 6 वर्ष से कम आयु का लिंगानुपात 2011, यानी 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके अनुसार लिंगानुपात हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में है वो है दंतेवाड़ा 1012। यहाँ पर यानी दंतेवाड़ा में 1000 लड़कों की अपेक्षा वहां पर 1012 जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है, दंतेवाड़ा में। वैसे सेकंड नंबर में आता है कोंडागांव 1006, ठीक है। तो हमारे यहाँ के दो ही जिले ऐसे हैं जहां पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात हजार से ज्यादा है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में रायगढ़, जहां का लिंगानुपात है 947। वैसे ही सेकंड नंबर में आता है दुर्ग, जहां पे है लिंगानुपात 948। थर्ड में आता है जांजगीर चांपा 950। फोर्थ में आता है बिलासपुर 956, ठीक है। तो सबसे कम जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है वो रायगढ़ में 947। तो आपको इससे एक चीज और ही पता चल जाएगी, क्योंकि रायगढ़ में ही ऐसा है कि वहां पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी वहां पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफी कम है जो 6 वर्ष से कम है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है जब वो अभियान चालू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ से शामिल किया गया था, क्योंकि रायगढ़ जिले में 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है, तो रायगढ़ जिला शामिल है, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात 6 वर्ष से कम बच्चों में सबसे कम है, ठीक है।
तो 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात था 975 और 2011 में ये घटकर 969 हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि यहाँ पर लिंगानुपात जो है 2001 में जहाँ 975 था 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का और 2011 में 969 यानी यहाँ पर कमी आई है। तो कमी आई है तो ये भी पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर लिंगानुपात में कमी आई है। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं, कार्य से जनसंख्या का अनुपात। यानी अगर हम बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितनी जनसंख्या है उसमें से काम कर रही जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाता है तो उसी को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जो कोई काम में लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या जो है वो है नंबर वन में जसपुर में 57.22%। यानी जसपुर की जनसंख्या जितनी है उसकी 57% जनसंख्या जो है वहां पर कार्यशील है, किसी काम में लगी हुई है। सेकंड नंबर में आता है सुकमा जो कि है 56.64%। थर्ड नंबर पे आता है कोंडागांव जो कि है 56.37%। ठीक है, जसपुर, सुकमा, कोंडागांव। अगला जो सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा, वो है दुर्ग। दुर्ग की जो है 39.06% जनसंख्या ही कार्यशील है। और सबसे सेकंड नंबर पे आता है बॉटम में, वो है रायपुर 39.80। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि सबसे कम कार्यशील जनसंख्या कौन से जिले की है, तो वो है दुर्ग की 39.06%, रायपुर की 39.80%। ठीक है, तो देखिए सुकमा कोंडागांव यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या वैसे ही कम है, तो उस जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जा रहा है। दुर्ग रायपुर में जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि ये हमारे यहाँ नगरी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या हमारे यहाँ की ज्यादा है। ठीक है, दुर्ग जिला हो गया, रायपुर जिला हो गया, बिलासपुर, इसलिए ये बॉटम में दिखते हैं क्योंकि उसमें जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्ग और रायपुर 39.06 और रायपुर 39.80, इसमें दुर्ग रायपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला याद रखिएगा जसपुर है सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की 46.46% जनसंख्या कार्यशील थी और 2011 में यह बढ़कर 47.68%। यानी हमारे यहाँ की जनसंख्या का 47% यहाँ पर कार्यशील है, यहाँ पे 46% था। ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो पार्ट है उसको ये हमने पहले के वीडियो में जनगणना वाले में कवर नहीं किया था, इसको अभी कवर किया। इसमें और भी जो है पुराने वीडियो में हमने 18 जिलों के हिसाब से भी कुछ देखा है, 27 जिलों के हिसाब से भी देखा है, तो अब कुछ और 27 जिलों के हिसाब से नए डाटा आए हैं तो उसको भी हम वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।